ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ಕಂಡುಬರು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रभुष्टम विष्णु पाद स्तोत्र सदश्री श्री श्रीमाद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ. तत्पश्चात मेरे सिख्या गुरुपाद पद्म नितलीला प्रभुष्टम विष्णु पाद स्तोत्र सदश्री श्री श्रीमात भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करना. उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिताए भाई बहन सभी को मैं यथाग्य प्रणाम करता हूँ. हरे कृष्ण. गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमद भागवत कथा की महिमा. हमारी संत लोग कहते हैं अगर ये श्रीमद् भागवत कथा की महिमा तो समझना चाहते हो इसको चार दृष्टिकोण से विचार करनी चाहिए. पहला नंबर है ये भागवत कथा को कौन सुन सकता है. लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभ्यम. कहते वही व्यक्ति ये भागवत कथा सुन सकते हैं जिनकी करोड़ों करोड़ों जन्मों का कोई सौभाग्य उदय हो कोई पुण्य उदय हो वही व्यक्ति ही ये भागवत कथा सुन सकते हैं. अगर कोई बोले हम तो बहुत बड़े पापी हैं ऐसा नहीं सुन सकते हैं. इसलिए गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे ये धुंधुकारी जैसे कोई पापी नहीं हो सकता. क्योंकि जिसने पिताजी को इतने सताया पिताजी घर छोड़ करके चले गए. मैया को उसने वेश्या में उसको बुरी तरह से मार करके घर में गड्ढा खोद करके उसको दाट दिए और लास्ट में उसने प्रेतात्मा करना था. जब गया में पिंड दिया होकर नहीं जब घर में आया देखा फिर बुरी बार पिंड बैठा गया बोले तेरे नाम पर मैंने गया में मैंने पिंडर दिया तेरे को क्या मुक्ति नहीं मिली. बोले भैया मैंने इतने पाप किया इतने पाप मैंने की मेरे नाम पर 100 बार भी कोई पिंडर दे दे तभी मेरी मुक्ति होने वाले नहीं. कितना बड़ा पापी ये धुंधुकारी. लेकिन ये धुंधुकारी केवल ये भागवत कथा को सुन लो संसार सचवारी उधार. इसलिए पापी से पापी की कथाओं को सुन सकते हैं. दूसरे तरफ पे बताए अगर कोई बोले अरे क्या हम कम जानते हैं सब गीता भागवत रामायण वेद वेदांत हमने सब पढ़ रखे हैं. हमें इस सुखदेव गोस्वामी जन्म हुए जन्म होते ही उन्होंने ब्रह्म ज्ञानी बन करके जंगल में चले गए. इतने बड़े ज्ञानी ये सुखदेव गोस्वामी लेकिन भागवत में कितने आनंद है जब भागवत का एक श्लोक श्री सुखदेव गोस्वामी के कान में पड़ा वो पागल हो गए और उन्होंने हाथ उठा करके कंपा दयालु शरण ब्रजम ऐसी जितने सुना ऐसे लगता है जीवन में मैं पहला बार ही सुन सकता. इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बोले राम कथा जय सोना तगाई राम कथा स्वामी जी कहते हैं अगर ये बात को कोई बोले ना कहते भैया
चेत प्रांगण संग निरचयते सर्वे यानां कृते नो जन जनित किम अद्भुत कृष्णे दिवर्णद्वय। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं जो कृष्ण की जो दो अक्षर है, ये दो अक्षर में इतने आनंद है, जब ये कानों में प्रवेश करता है लगता है ब्रह्मा जी को तो सृष्टि घर में आता ही ना। इतने सुंदर कृष्ण नाम को सुनने के लिए दो कान क्यों देती है, बोले करोड़ों करोड़ों कान क्यों नहीं दिए। जब कृष्ण नाम ये जीवा में उदय होता है ऐसे निरंतर है, जैसे शंकर जी जैसे ये तांडव नृत्य करते हैं ऐसे लगता है अद्भुत अद्भुत जीवा क्यों नहीं देती। जब ये कृष्ण कथा कान में प्रवेश करते हुए हृदय में प्रवेश करता है मां रस की धारा बरसने लग जाती है। इतने आनंद ये कृष्ण नाम में, इतने आनंद कृष्ण नाम में। इसलिए श्री पृथ्वी महाराज कहते ठाकुर जी हमें 10,000 काम दे दो। बोले 10,000 काम क्या कर दो, दो काम तो बढ़िया लग रहा है, अगर यहाँ दो काम शरीर में काम नहीं काम हो रहे अच्छी लगी गुरु, दो काम तो बढ़िया लग रहा है। लेकिन कहते ठाकुर जी हमें 10,000 काम दे दो। भगवान बोले 10,000 काम लेकर क्या करोगे, दो काम तो बढ़िया लगता है। बोले प्रभु जी काम ही तो दो ही हो, लेकिन ये दोनों कानों में कथा सुनने की इतने शक्ति दे दो, 10,000 कानों में कथा सुनने की जितने शक्ति है। नहीं तो जैसे यहाँ कथा हो रही है और भी तो नहीं कथा होती है, दुनिया में कितने जगह पर कथा होती है। बोले प्रभु जी कहीं भी कथा हो, कहीं भी कथा जैसे मेरे चुप नहीं जा रहे। इसलिए श्री हनुमान जी, ये कौन है हनुमान जी, बोले ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान से बड़े कोई ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन हनुमान क्या करते हैं, बोले जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम। अगर करोड़ों जगह में अगर प्रभु राम की कथा हो, हनुमान जी करोड़ों उदाहरण करते हुए तब कथा में जाते हैं, बीच में ना लास्ट में, बोले नहीं पहले सबसे पहले हनुमान जी पहुंचते हैं। और हनुमान जी क्या करते हैं, जहां बैठ जाते हैं, नहीं देखो कथा सुनने का नियम होता है, बोले जिस स्थान पर ये कथा हो उस स्थान साधारण नहीं, बोले सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यथाच्युतादर कथा प्रसंग। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जहाँ पर ये भागवत कथा हो, बोले पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है और वहीं पर आकर निवास करते हैं। बोले पृथ्वी में कितना तीर्थ पता है, कितना तीर्थ है, बोले 6 अरब। बोले 1 अरब कितना होता है, 1 अरब कितना होता है, बोले 100 करोड़ में 1 अरब होता है। और 6 अरब मतलब कितना हो गया, 600 करोड़। जहां पर ये श्रीमद् भागवत कथा हो वहां पर 600 करोड़ तीर्थ पर आकर के विद्यमान हो जाते हैं। जो व्यक्ति ये श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं कहते मानो 600 करोड़ तीर्थ में बैठ बैठ करके स्नान हो जाती है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की। इसलिए श्री हनुमान जी उतना रूप धारण करते हुए क्या करते हैं, जाते हैं सबसे पहले जाकर क्या करते हैं, जहां पर ये कथा होती है सबसे पहले वहां प्रणाम करते हैं। और वहां पर कितने लोग बैठे हुए होते हैं, हनुमान जी सबको प्रणाम करते हैं और हाथ जोड़ करके गदगद होकर के आंखों से आंसुओं को बहाते हुए हनुमान जी ये कथा सुनते हैं। जाते हैं कब, जब सबके सब चले जाए, हनुमान जी उस स्थान को प्रणाम करेंगे, कथा सुनने वाले सुनाने वाले को प्रणाम करेंगे और जहाँ कथा होती है वहाँ का धूल को शरीर में लगा देंगे, श्री हनुमान जी वहां से जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भैया जहाँ जहाँ पर कथा हो उतना में रूप धारण करते हुए जैसे भगवान की कथाओं को मैं श्रवण करूँ। इसलिए कहते हैं यहाँ पर
भागवत कथा कौन सुन सकते हैं? बोले पापी से पापी भी कथा सुन सकते हैं और ज्ञानी से ज्ञानी भी कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने की सभी अधिकार है। दूसरा तात्पर्य बताए ये भागवत कथा की क्या महिमा है, ये कथा कहाँ सुननी चाहिए। शास्त्र कहता है देखो ये जो कान है ना ये गुणा जैसे, हम गुणा में क्या करते हैं, कोई रस को या कोई सब्जी को डाल करके पीते हैं ना गुणे में। देखो ठाकुर जी कान कैसे बनाए, गुणे का जैसे बनाए। बल्कि ये कान में भी जो गुणा सब जगह में नहीं रहनी चाहिए, मना करते हैं। फिर कथा कहाँ सुननी चाहिए, बोले जो भगवान की जो भक्त हो जो वैष्णव हो उनसे ही कथा सुन। इसलिए पद्म पुराण में एक श्लोक आए बोले अवैष्णव मुखद गिरनम हरि कथा वृतम श्रवणैव नैव कर्तव्यम् सर्पोचिष्ट यथा कय। उदाहरण दिया जैसे दूध, अगर कोई दूध को पियोगे तो क्या होगा, बोलो बुधा निकृत हो गया, शरीर में ताकत आएगी, हृष्ट पुष्ट होगा। लेकिन दूध हो अगर उसमें सांप ने मुंह मार दिए, अगर वो दूध पियोगे तो क्या होगा, बोलो अरे बोलो क्या होगा, मरने का कारण बनेगा ना, बेटे के लिए लगना है। तो दूध चूंकि उसमें सांप ने मुंह लग मार दी वो जहर बन गया है। अगर कोई वैष्णव नहीं हो उनसे अगर ये भागवत कथा सुनोगे तो देखने के लिए भी लगता भागवत कथा है, लेकिन ये पद्म पुराण कहता है वो संपूर्ण रूप में उल्टा किया करेगा। क्योंकि जो वक्ता है उसकी हृदय में जो भाव रहेगा वो श्रोता को हृदय में वही चीज आती है। अभी वक्ता का हृदय में जो भाव श्रोता का हृदय में वही भाव आएगी। लेकिन ये भागवत क्या है, कल्प वृक्ष है, हम कथा नहीं सुन रहे हैं, हम कल्प वृक्ष को नीचे बैठे थे। इसलिए भागवत से जो चीज मांगे थे भागवत हमें वही प्रदान करेगा। अगर भक्ति मांगोगे तो भक्ति देगा, दुनियादारी चीज मांगोगे तो दुनियादारी चीज देगा। अब निर्भर करता है जो बोलने वाले उसका हृदय में कौन सा भाव है। इसलिए कथा कहाँ सुननी चाहिए, बोले वैष्णव से संतोष से कथा सुननी चाहिए। उदाहरण दिया जैसे समुद्र मंथन हुई, लेकिन समुद्र मंथन से दो चीज निकली। सर्वप्रथम तो जहर निकला, विष निकला, जिसको शंकर जी पान करके कंठे में धारण किया तो शंकर जी का एक नाम पड़ गया नीलकंठ। महादेव की, लेकिन समुद्र मंथन से क्या निकली, वहां पर धर्म करने अमृत भी लेकर निकली, अमृत भी लेकर के निकली। कभी ये भागवत से दो चीज निकलती है, एक जहर भी निकलती है और एक अमृत निकलती है। लेकिन अगर संतों की अनुगत्य से अगर ये कथा को सुनेंगे तो फिर तक हमें अमृत की प्राप्ति होगी, नहीं तो भैया हाथ में अमृत नहीं आएगी, हाथ में केवल जहरी जहरी आएगी। इसलिए वैष्णव से ही कथा सुननी चाहिए। तृतीय उदाहरण दिया है बोले भागवत में विषय वस्तु क्या है, बोले भागवत में कोई साधारण विषय वस्तु नहीं, बोले आराध्य भगवान ब्रजेश स्तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिद उपासना ब्रजवधो बरहीन जा कल्पिता। बोले इन श्रीमद् भागवत ग्रंथ में किसकी कथा आई है, हमारी उपास्य कौन है, हम किसको भक्ति करेंगे। बोले भक्ति करना तो भगवान श्री कृष्ण को भक्ति करना, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आप लोग जय ठीक से नहीं देते, बोलते जय कोई जय बोलते जोर से बोलो, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कहते भैया हमारी इष्ट कौन है, बोले हमारी जो इष्ट है ना ये भगवान कृष्ण ही हमारी इष्ट है। लेकिन कृष्ण होने पर भी लेकिन कृष्ण तीन है, कृष्ण कितने हैं आप बोलोगे, हमने सुना कृष्ण एक ही, आप तीन बता रहे हो। मैं कृष्ण तो एक ही है लेकिन वो रस भेद से तीन हो जाते हैं,
जब वो द्वारका में रहते हैं वो द्वारका से, लेकिन वही कृष्ण जब मथुरा में रहते हैं वो मथुरा से, लेकिन वही कृष्ण जब वृंदावन में रहते हैं ना वो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, लेकिन वही कृष्ण है। लेकिन भक्तों का प्रेम में जो संपूर्ण जो वसीभूत होने वाले कौन है, बोले जो वृंदावन में जो कृष्ण रहते हैं, कभी कभी सखाओं को साथ में कृष्ण अगर उसपे लटके लटके कृष्ण को खुद हार जाते हैं। सिद्धार्थ कहता कन्हैया तू घोड़ा पर, हमें कंधे पर बैठाने के लिए कृष्ण घोड़ा बन जाते हैं। कृष्ण जब मक्खन चोरी करते हैं मैया उनको उथल पर लाद देती है, बताओ दुनिया में भगवान कोई बात सुनते हैं? अगर कभी कन्हैया मक्खन चोरी की ना, मैया बोली लाला जी ने मक्खन चोरी की, कृष्ण क्या कहते हैं? बोले मैया बोली मैंने मक्खन का खाई। कृष्ण डर जाते हैं, बोले मैया मैंने पकड़ नहीं खाई है। बोले सब कहते तुमने मिट्टी खाई हो, नहीं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। कृष्ण भगवान है, लेकिन मैया के प्रेम में वसीभूत होकर के भगवान स्वयं बंधन को स्वीकार करते हैं कि ब्रज का कृष्ण है। इसलिए अगर राधा ने कभी मान कर लेना श्याम सुंदर अपना बंसुरी भी राधा जी के चरण रख देते, अपना मयूर मुकुट को उतार करके रख लेते हे राधे, अपना मान को जो तोड़ दे। कभी कृष्ण कहते हे राधे जब तू मान करती है ना, तेरे को मान मनाने के लिए मेरे को इतने कष्ट होता है, मेरे को दिन रात धारण करने के लिए इतना कष्ट नहीं लगा, हमारी आराध्य देव कौन है, हम कौन सा कृष्ण को उपासना करते हैं? जो वृंदावन में जो कृष्ण है, जो भक्तों का प्रेम में जो संपूर्ण जो वसीभूत भगवान कृष्ण, ये कृष्ण हमारे आराध्य देव है। लेकिन कृष्ण भक्ति का सभी ने की है, सखाओं ने भी की, भगवान की सेवक लोगों ने की, मैया यशोदा ने की, लेकिन सर्वश्रेष्ठ उपासना किया है बोले ये ब्रज गोपियों ने। जैसे ये गोपियों का प्रेम में कृष्ण जितने वसीभूत हुए हैं, कृष्ण और किसकी प्रेम में इतने वसीभूत नहीं हुए? बोले भैया ये सिद्धांत किसकी है? बोले श्री चैतन्य महाप्रभु का मृदम, ये श्री सचिनंदन गौर हरि श्री चैतन्य महाप्रभु का ये सिद्धांत है। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की। इसलिए कहते भागवत की ये सिद्धांत की श्रीमद भागवत की, कहते जो श्रीमद भागवत है उसमें चार ही अक्षर है। कितना अक्षर है? हाँ जोर से बोलो, क्या क्या है? बोले भा क व और त, ये चार ही अक्षर है। बोले इसका मतलब क्या है? बोले भाति सर्वेषु लोकेषु, बोले ग नहीं, कल आपसे मैं पूछूंगा आप लोगों ने क्या क्या सुने हो, ठीक है? आज से समझना, एक कापी और एक पेन लेकर के आना, एक कापी और एक पेन लेकर के आना, और सब चीज को लिखना, लिख करके क्या करना बाद में प्रचार भी करना, और सुनना भी दूसरों को भी सुनाया करो, ठीक है? बोले भाति सर्वे सुनो केशु, बोले ग, बोले कियते नारदा देवी, बोले ब, बोले वरिष्ठ सर्व शास्त्रेषु, बोले त, बोले तरणी चववारणम। तब ये चार अक्षर में ये जो भागवत का जो तात्पर्य है, जो भागवत ये चार ही अक्षर में ये संपूर्ण भागवत का रहस्य विद्यमान। बोले भा मतलब क्या है? बोले भा मतलब होता है प्रकाश। बोले जिसकी प्रकाश केवल भारत में इसकी प्रकाश नहीं, कल सुन रहे थे ना जिस भागवत कथा को और बोले पितामह ब्रह्मा की कथा सुनते हैं। इसलिए श्री बृहस्पति जी
कहते उद्धव जी कह रहे हैं, बोले मेरे गुरुपाद पद्म से बृहस्पति वैपति का शास्त्र ये स्कंद पुराण की कथा है। बोले जिस समय ये जगत सृष्टि हुई सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवता को ब्रह्मा जी को बोले तुम्हारा काम है जगत का सृष्टि करना। ब्रह्मा बोले प्रभु आपका आशीर्वाद से तो मैं सृष्टि कर सकता हूँ, लेकिन जो सृष्टि का काम है ये रजोगुण का काम है। अब ये रजोगुण से मेरी मुक्ति कैसे होगी? भगवान बोले कहीं काम करो तो ये 7 दिन तक ये भागवत कथा सुना, ये भागवत कृपा से ही जगत को तुम सृष्टि कर सकते हो। इसलिए ब्रह्मा जी ये 7 दिन तक ये भागवत कथा सुन करके ये जगत को सृष्टि करते हैं। इतने में भगवान विष्णु आए। देखो सावधान से सुनो, ये मत समझो ये कथा हम ही सुनते हैं। ये जगत का जो सृष्टि स्थिति प्रलय है ना, ये भागवत की कथा की महिमा से ही जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय भी होता है। इतने में भगवान विष्णु आए, भगवान विष्णु आए बोले प्रभु आपका आदेश से ये जगत को तो मैं पालन कर सकता हूँ, लेकिन ये लक्ष्मी को कैसे मैं पालन करूंगा? बोले देखो नारायण, आप भी कथा सुना और आप भी कथा सुना। जब नारायण कथा सुनाते हैं माँ लक्ष्मी बैठे की कथा सुनती है। हम लोग तो 7 दिन तक कथा सुनेंगे, लेकिन जब नारायण कथा सुनाते हैं बड़ी सुंदर व्याख्या करते हुए कथा सुनाते हैं और उस कथा को पूर्ण करने के लिए 1 महीना श्री नारायण। अभी माँ लक्ष्मी कथा सुनाती है, नारायण स्वयं बैठ कर कथा सुनते हैं। इसलिए नारायण तो 1 महीना में कथा को पूरी करते हैं, लेकिन जब लक्ष्मी कथा सुनाती है 2 महीना लग जाती है। कितना लग जाती है? 2 महीना। मतलब नारायण से भी सुंदर कथा माँ लक्ष्मी सुनाती है। अभी संकट भी आए, बोले प्रभु आपका आशीर्वाद से कि जगत को संहार मैं कर सकता हूँ, लेकिन जो संहार का जो काम है ये तमोगुण का काम है। बोले ये तमोगुण से मेरे को रक्षा कैसे मिलेगी? भगवान कृष्ण बोले भोले बाबा आप भी कथा सुना और कथा सुना। इसलिए शंकर जी जब कथा सुनाते हैं कितना दिन तक कथा सुनाते हैं? बोले 1 साल। कितना? शंकर जी वैष्णव नाम कथा संभोग। शंकर जी भगवान के सबसे प्यारे भक्त है, इसलिए शंकर जी इतने सुंदर कथा को व्याख्या करते हैं। ये भागवत को पूरी करने के लिए उनको 1 साल लग जाता है। फिर माता पार्वती कथा सुनाती है, शंकर की कथा सुनते हैं। पार्वती कितना दिन में कथा को पूरी करते हैं? बोले 2 साल। कितने? क्योंकि जो पार्वती है ये वैष्णवी है, पार्वती का वैष्णवी है, इसलिए शंकर से भी सुंदर कथा कौन सुनाती है? माता पार्वती। देखो माँ लक्ष्मी की कथा को डबल दिन में पूरी की, पार्वती भी उससे भी डबल दिन में पूरी की। मतलब है ये मत समझो पुरुष लोग ही भजन कर सकते हैं, माताएं नहीं। अगर ज्यादा कोई भक्ति का आधार है ना माताएं। देखो यहाँ पर कथा सुनने के लिए कौन ज्यादा आए? माताएं आए ना और पुरुष लोग आए। कौन आ रही है? अरे बोलो कौन ज्यादा भक्त लोग आए? माताएं आए हैं। इसलिए ये जो श्रीमद् भागवत कथा प्रभाव से जगत का सृष्टि स्थिति और प्रलय ये भागवत कथा की प्रभाव को द्वारा ही दुनिया चलता है। बोले श्री भगवत भागवत कथा मृतम की, जोर से बोलो। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की, एक बार हाथ उठा कर बोलो। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम राम। और एक बार जोर से बोलो। बोलो हरे
दूसरा जो अक्षर है बोले ग मतलब क्या है, बोले ज्ञान भी है और ग मतलब होता है कियते नारदादि। बल्कि भागवत कथा को गान करने वाले कौन है, बोले साधारण व्यक्ति नहीं। ये भागवत सर्वप्रथम किसकी मुंह से निकली है, सर्वप्रथम ये भागवत ग्रंथ साक्षात भगवान कृष्ण की मुखारविंद से ये भागवत निकली है। सर्वप्रथम भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी नारद जी को दिए, नारद जी व्यास देव को दिए, व्यास देव सुखदेव गोस्वामी को दिए, सुखदेव गोस्वामी सुतो गोस्वामी की परिचित महाराज को दिए। बोले ये कथा को दान करने वाले कौन है, बोले बड़े बड़े ऋषि लोग जिनकी कथा को दान करते हैं, नारद आदि बड़े बड़े ऋषि जिसकी कथा दान करते हैं। इसलिए बोले ग जो तीसरा अक्षर बोले ब, बोले ब मतलब क्या है, बोले वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु, बोले जगत में जितने ग्रंथ हैं सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा ग्रंथ है, बोले ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। इसलिए आगे हम श्रवण करेंगे जिस समय श्री व्यास जी ने उनने समस्त ग्रंथ रचना की, वेद उपनिषद पुराण ब्रह्म सूत्र समस्त ग्रंथ को उन्होंने रचना की है, लेकिन उनको शांति थी। लेकिन जब उन्होंने ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रचना की तभी उनको पूर्ण रूप में तभी उनको शांति मिली, उसको पहले शांति नहीं मिली। इसलिए जो श्रीमद् भागवत को क्या बताए, बोले अर्थ अयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष रूप सौ वेदार्थ परिवर्तित। जो श्रीमद् भागवत है कत अर्थ अयम ब्रह्म सूत्राणाम, कत समस्त ब्रह्म सूत्र का जो अर्थ है ये भागवत है। और गायत्री विनिर्णय जितने गायत्री का भाष्य किए हैं, भारत महाभारत का सार भागवत है, इसलिए वेद का सार ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। इसलिए बोले तत्रसा अमृतस्य तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रति क्वचि, अगर ये भागवत रस को कोई पान कर गया तो उसको और किसी रस से भी उसकी रुचि नहीं रह जाती है। भागवत रस पान कर लिया तो सारे रस उसने पानी कर लिया और किसी शास्त्र सुनने का कोई जरूरत नहीं। इसलिए इसका जो तीसरा अर्थ है बोले, जो चतुर्थ अर्थ है बोले ता, बोले ता मतलब क्या होना है, बोले तरणी च भवान नव, अगर ये भव सागर से कोई पार होना चाहते हैं, समस्त दुख कष्ट से कोई निवृत्ति होकर के जीवन में परम शांति पाना चाहते हैं। जब व्यास देव स्वयं कहते हैं, व्यास देव कौन है, बोले व्यास नारायण स्वयं, ये स्वयं नारायण है। वो कहते हैं जब तक मैंने ये भागवत ग्रंथ रचना नहीं की तब तक मेरे को शांति नहीं है। तात्पर्य क्या है, कि जब तक हम ये भागवत ग्रंथों को श्रवण नहीं करेंगे तब तक हमें भी जीवन में शांति स्वरूप नहीं मिलेगी। इसलिए कोई अगर भव सागर से पार होना चाहते हैं क्या करो, बोले ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को आप लोग श्रवण करो। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी बोले परीक्षित, तुमको जीवन में और कुछ भी करने का जरूरत नहीं, कोई ध्यान ज्ञान जप तपस्या कुछ भी करने का जरूरत नहीं, अब यहाँ पर बैठो और बैठ करके केवल ये श्रीमद् भागवत कथा को तुम श्रवण करो। कथा सुनते सुनते जब तक तुमको ये पूर्ण विश्वास नहीं हो गया ये संसार से हम पार हो गए तब तक हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, केवल बैठो केवल ये भागवत कथा सुनो और कुछ भी करने का जरूरत नहीं। इसलिए मतलब होता है तरणी च भवान्नवा,
इसलिए बोले अपार संसार समुद्र से तुम भजामहे भागवतम स्वरूपम। बोले जिस भव सागर से पार होना बड़ा कठिन है, अगर इस श्रीमद भागवत कथा रूपी सेतु का अगर कोई आश्रय ग्रहण कर ले तो वो आसानी से ही ये भव सागर से पार हो जाएगा। बोले श्रीमद भागवत कथा प्रीतम की जय, कर का आनंद लिया। बोले श्रीमद भागवत कथा प्रीतम की जय, जय श्री राम, जय जय बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सपने में आए मेरे भैया पी गए, मेरे भैया पी गए सबके सपने में कृष्ण भगवान आए और राधा रानी भी आएगी। एक बार खड़े होकर हाजिरी लगाइए, भैया पी गए, हाँ भैया पी गए, I'm not afraid to die।
कभी ये भागवत कथा की महिमा, कभी ये दो पुराण में ये कथा की महिमा आई है, एक का पद्म पुराण में और एक स्कंद पुराण में। अभी हम लोग जो कथा को सुन रहे थे वो कथा ये पद्म पुराण की कथा थी, तथा थोड़ी सी स्कंद पुराण की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जिस समय भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ करके चले गए, उसी समय में मैया कुंती ने भी अपना शरीर को त्याग कर दिया। बोले क्यों? उनने सिखा दिया, सिखा दे दी है, बोले तब तक ये शरीर को धारण करनी चाहिए जब तक ये शरीर ठाकुर को सेवा में। अगर ये शरीर में ठाकुर की भक्ति नहीं हो, ठाकुर की भजन नहीं हो, कहते भैया ये शरीर धारण करने का कोई लाभ नहीं। इसलिए भागवत में बताए जीवन सबो, वो बेटी जिंदा रहते हुए भी वो बड़ा ही है। बोले कौन है? बोले जिन्होंने ये कान को पा करके भगवान को पता नहीं सुने, ये जीवा को प्राप्त करके ठाकुर का कीर्तन नहीं किया, कभी वो जिंदा रहते हुए भी वो बड़ा ही है, वो जिंदा नहीं है। इसलिए मैया कुंती ने ये शरीर को त्याग दे दी। पांडव लोग भी देखा, जब कृष्ण ही नहीं रहे तब श्री युधिष्ठिर महाराज, श्री परीक्षित महाराज को उन्होंने हस्तिनापुर राजगति में उनको स्थापन करते हुए उन्होंने भी संसार को छोड़ दिए और वृंदावन का राजा बना दिया श्री बज्रनाथ को। एक मेरे परीक्षित महाराज बज्रनाथ से पीने के लिए वृंदावन आए। बोले बजरनाथ सब कुशल मंगल है ना? बोले सब तो ठीक ठाक है, लेकिन मन में शांति नहीं। बोले क्यों? बोले राजा को तभी शोभा पाता है जब प्रजा है, लेकिन ये वृंदावन सभी सुनी वृंदावन क्योंकि भगवान जब ये संसार छोड़कर गए, पूरा के पूरा अपना धाम को लेकर के ठाकुर जी चले गए। वहां पर जैसे भगवान राम जब गए, अब रामायण देखे होंगे, उनने पूरा अयोध्या को लेकर के ठाकुर जी गए, लेकिन केवल एक व्यक्ति को छोड़े। पता है किसको छोड़े? श्री हनुमान जी। बोले क्यों? बोले अगर हनुमान चला जाएगा फिर राम भक्ति जगत में कौन प्रचार करेगा? केवल हनुमान को छोड़ कर गए। इसलिए भगवान जब गए, पूरा के पूरा उन्होंने गोलोक वृंदावन, पूरा वृंदावन को लेकर गए, लेकिन उन्होंने सिर्फ सुखदेव गोस्वामी को छोड़ कर गए। ये सुख पति ये तुरते को छोड़ कर गए क्योंकि जगत में कृष्ण भक्ति को प्रचार करने के लिए। इसलिए पूरा वृंदावन सुनी सुनी, कोई भी वृंदावन में थे नहीं। बोले वृंदावन में कोई थी? इसलिए मन तो बड़ा उदास है, लेकिन श्री परीक्षित महाराज को पता है कृष्ण कभी भी वृंदावन छोड़ करके नहीं जाते। इसलिए हमारे पुराण कहता है वृंदावनम परित्यज्यम पाद एकम न गच्छामि। कृष्ण खुद कहते हैं, बोले मैं वृंदावन छोड़कर कभी एक कदम बाहर जाता है कोई नहीं जाते, लेकिन ये रहस्य को कौन जानता है? बोले श्री सांडिल्य से। बोले ये सांडिल्य कौन है? बोले नंद बाबा की कुलगुरु है, ये कुलगुरु है। तब अपने सांडिल्य ऋषि को बुलाए, बोले सांडिल्य जी थोड़ी सी ये वृंदावन की महिमा सुना। तब सांडिल्य ऋषि ने कहा, देखो जो भगवान की लीला दो तरह की, कितने तरह के ध्यान से सुनो, कितने तरह के? कहते एक व्यवहार की लीला है और एक ठाकुर का दिव्य लीला है। जैसे साधारण रूप में देखो कृष्ण तो चले गए, लेकिन अगर वास्तव रूप में अगर हम विचार करेंगे कृष्ण कहीं भी नहीं। अब वृंदावन गए उत्पन्न गए, हाँ तो भक्त भगवान गए। आप देखोगे वृंदावन में दो बने, कितने बने? एक है विधु वर्ग और एक निकुंज वर्ग। कभी गए हो? आप देखना रात को ये दो बने ठाकुर जी के लिए फूल की सज्जा लगाते, लड्डू रख लेते, लोटे में पानी रख लेते, लेकिन सवेरे जाकर के जब कभी मंगलारती में कभी जाओगे तो देखोगे ऐसे लगता है ये फूल की सज्जा को ऊपर रात को कोई लेट कर गए। कभी लड्डू नहीं मिलता है, कभी कभी लोटे में पानी नहीं मिलती,
अगर कोई चोर जबरदस्ती रुक जाए, कोई चोर जबरदस्ती रुक जाए तो दो महीने बोले तो भूखा मिलेगा, नहीं तो शरीर को छोड़ते हुए मिलेगा। इसलिए वो जो निकुंज बहन है उसको पास में अपना मंदिर है। मैंने अपना हाथों से दो घटना देखा है। एक घटना मैंने देखा है, एक व्यक्ति जोर जबरदस्ती एक माता जी रुक गई थी, सवेरे भूखा मिली थी, और एक व्यक्ति जोर जबरदस्ती रुक गई थी, मैंने स्वयं देखा सवेरे देना शरीर छोड़ते हुए, क्योंकि ठाकुर जी की लीला दर्शन करने का बात है ना, फिर तो ये शरीर तक रहता नहीं, शरीर उसकी छूट जाती है। जिनको विश्वास नहीं होता है भगवान है कि नहीं, एक बार वृंदावन में आओ और वो दो घंटे में किसी बात में एक रात से रुक जाओ, फिर तुम्हें पता चल जाएगा ठाकुर है क्या नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी। इसलिए बगला में एक भजन है, बोले देखा सही वृंदावन बंसी बाजे, अभी भी कृष्ण वृंदावन में बंसी बजाते हैं, अभी भी गैया चराने के लिए कृष्ण जाते हैं, अभी भी ब्रज की गोपियां पानी भरने के लिए यमुना में अभी भी जाते हैं। हमारी संप्रदाय में तो इतने प्रमाण है, अपना संप्रदाय में गौड़ीय संप्रदाय में इतने प्रमाण जो सोच भी नहीं सकते हो। ठाकुर जी कैसे दर्शन दिया भक्तों को, श्री चैतन्य महाप्रभु का समय में एक भक्त थे जिनका नाम था श्यामानंद प्रभु, जब ये वृंदावन में भजन करने के लिए आए, गुरु जी बोले देख बेटा जब तक सेवा नहीं करो ना तब तक सेवा नहीं करो, जाओ ये निधु मन में झाड़ू लगा, अभी भी राधा रानी भजन करती है, अभी रो रो करके राधा रानी का नाम को लेकर हे राधे कब तुम्हारे दर्शन मिलेगा, हे राधे कब तुम्हारे दर्शन मिलेगा। कभी जमीन पर लौट को उठाते हैं झाड़ू लगाते हैं, एक दिन राधा रानी स्वयं दर्शन देने का बहाना बना करके अपना चरण की टुकुर को छोड़ गए। जब वो संत सवेरे आए और जंगल में देखा सोने की नुपुर वहां पर देखा और उसको उठाए प्रणाम किया और अपना गुरु जी को दिखाया, गुरु जी हमें ये सोने की नुपुर मिली है, लेकिन गुरु जी तो साधारण है नहीं, तो राधा रानी के पंजे की सखी है, वो तो देख करके पहचान गए, बोले ईश्वर जी के चरण की नुपुर बेटा, राधा रानी तुम्हें दर्शन देने के लिए बहाना बनाया, कोई आए तो देना नहीं, बोलना जिनकी चरण की नुपुर वो स्वयं आए अपना हाथों से मैं पहना दूं, तब राधा रानी वहां पर स्वयं आ गई और वो संत राधा जी के चरण में उन्होंने नुपुर धारण कराया। राधा रानी स्वयं नुपुर का चिन्ह, उनका तिलक का बीच में राधा रानी स्वयं नुपुर का चिन्ह धारण किया था। इसलिए वो ठाकुर जी अभी भी वो ठाकुर जी जिसने किए वृंदावन में जाओगे तो वो ठाकुर जी का नाम से राधा श्याम सुंदर है। इसलिए अभी भी अगर कोई सही सही भजन करे राधा रानी अभी भी उनको दर्शन देती है। बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्रीमती राधा रानी की। और दो संत थे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, दो संत थे। एक दिन सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को पास में आए, दोनों भाई बैठ गए हरी चर्चा कर रहे थे। अभी छोटा भाई ने देखा बड़े दिनों में बड़े भाई आया है, उसको भोजन कराने चाहिए, लेकिन उनको खीर बहुत पसंद है, लेकिन घना घोर जंगल में खीर कहां से आएगा, राधा रानी स्वयं वहां पर आती है, आकर के खीर बना करके संतों को खिला करके जाती है राधा रानी। इसलिए हमारे संप्रदाय में इतने प्रमाण है, इसलिए सांडिल्य ऋषि ने कहा देखो ठाकुर जी को जो वास्तव लीला है अभी भी ठाकुर का नित्य लीला चल रही है, अभी भी चल रही है, लेकिन हम इसको क्यों दर्शन नहीं कर पाते। बोले प्रेमा जन चुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदय सो विलोकयन्तम् जम श्याम सुंदरम चित्त गुण स्वरूप गोविंदम आदि पुरुषम
तब हम भैया भी ब्रह्मा जी कहते हैं उनको दर्शन करने के लिए आंखों में प्रेम रूपी अंजल लगा काजल लगाओ, लेकिन हमारी आंख में कौन सा काजल लगा हुआ? काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छल कपट का अंजल लगा हुआ है। यदि इन्हीं आंखों से ठाकुर का दर्शन नहीं मिलता है, ठाकुर को दर्शन करने के लिए प्रेम रूपी अंजल लगाना पड़ेगा। बोले फिर हमें दर्शन कैसे मिलेगा? बोले एक उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले वृंदावन धाम की सेवा करो। कृष्ण तो चले गए। अभी धीरे धीरे उनका जो लीला स्थली है वो धीरे धीरे लीला स्थली अंदर ध्यान होने जा रहा है। एक काम करो, तुम जाकर के वृंदावन का समस्त लीला स्थलियों को प्रकाश करो और ठाकुर जी को स्थापन करो, फिर राधा रानी की कृष्ण की तुम्हारे ऊपर में कृपा होगी। फिर वज्र नाम हरि वृंदावन में कहां पर कृष्ण बंसुरी बजाए, कहां पर कृष्ण रास रचाए, कहां पर कृष्ण श्री गिरिराज ध्रुव धारण करने लगा। बोले श्री गिरिराज महाराज की जोर से बोलो। बोले श्री गिरिराज महाराज की। इसलिए कहां पर गिरिराज नगर जाए, कहां पर उन्होंने मक्खन चोरी की, कहां पर ठाकुर जी कौन सा पेड़ ऊपर में चढ़ करके कृष्ण बंसुरी बजाए बैठे, कहां पर उन्होंने गोपियों को इकट्ठे किए, ये जितने लीला स्थलियों को वज्रनाभ ने स्थापन की और बड़े सुंदर सुंदर ठाकुर को उन्होंने स्थापन किया। इसलिए जब ठाकुर जी की स्थापन की फिर भगवत कृपा से उनको ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त हुई। इसलिए उन्होंने विशेष करके बहुत ठाकुर को स्थापन किए। आपको मैं एक ठाकुर जी का कथा सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। जगन्नाथपुरी कौन गए? जगन्नाथपुरी कौन गए? हाथ इतना ही लोग है, आप बताओ जगन्नाथपुरी जाना कौन चाहते हैं? हाथ बताओ। अभी जगन्नाथ की रथ यात्रा है ना, देखो रथ यात्रा दर्शन का बड़ा तत्व है। शास्त्र कहता है अगर रात को कोई जगन्नाथ जी को एक बार दर्शन कर ले, शास्त्र कहता है पुनर्जन्म नहीं होता, जगत में जन्म नहीं लेगा। क्योंकि जब ठाकुर जी रात को पर होते हैं ना, ठाकुर जी कहाँ से कहाँ जाते हैं? द्वारका से कृष्ण जाते हैं, गोपियों से ब्रजवासियों से राधा रानी से मिलने जाते हैं। जैसे आप कोई प्रिय व्यक्ति के साथ में मिलने के लिए जाओ खुश होते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी इतने प्रसन्न इतने जगन्नाथ जी प्रसन्न रहते हैं जो एक बार रथ लोकर में जगन्नाथ जी को दर्शन कर ले। शास्त्र कहता है इस जगत में दो बार जन्म लेना नहीं पड़ेगा। बोले श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। इसलिए अगर कोई जगन्नाथपुरी जाओगे ठीक एक स्टेशन पहले एक स्टेशन है जिसका नाम है साखी गोपाल। क्या नाम है? साखी गोपाल। मेरी की थोड़ी सी कथा सुनो। वो ठाकुर जी को वज्रनाभ ने स्थापना की थी। तो एक समय दो विप्र दो ब्राह्मण तीर्थ यात्रा में निकले, एक बड़ा विप्र और एक छोटा विप्र। जो जवान जो विप्र था वो बड़े विप्र की बड़ी उन्होंने सेवा की, कितने सेवा की उन्होंने। अगर वो नहीं होते तो वो कभी तीर्थ घूम नहीं सकते थे। उन्होंने तीर्थ भ्रमण करते करते जब उन्होंने श्री वृंदावन में आए, वहां पर एक गोपाल जी का मंदिर था, दोनों उसी मंदिर में रुके। रुक करके जो बूढ़ा जो विप्र था जो छोटा विप्र को बोला देख अगर तू नहीं होता तो मैं कभी तीर्थ घूम नहीं सकता था, तेरी कृपा से मैंने ये तीर्थ घूमा। लेकिन मेरे मन में एक इच्छा है। बोले बताओ। बोले मेरी एक बेटी है बड़ी प्यारी बड़ी सुंदरी बेटी ब्राह्मण, मैं चाहता हूँ मैं जब घर में वापस जाऊंगा मेरी बेटी से तेरे में शादी दूंगा। लेकिन वो जो जवान जो विप्र था आपने देखो अब बेटी के शादी के लिए मेरी ऑटो सेवा नहीं की, अब वृद्ध हो पिता जी के बराबर हो इसलिए आपकी मैंने सेवा की। बोले देखो मेरी इच्छा है मैं अपना बेटी से तेरे में शादी दूंगा। बोले देखो आप तो कह रहे हो
लेकिन आपकी परिवार वाला नहीं मानेंगे। बोले क्यों? बोले जब तक हम दोनों ही ब्राह्मण हैं, लेकिन ब्राह्मण होने पर भी आप जो ब्राह्मण है ना वो उच्च जाति के ब्राह्मण की बात है और मैं छोटा जाति का ब्राह्मण। आपका परिवार वाले ये बात को स्वीकार नहीं करेगी। बोले बेटी मेरी है, मैं देना चाहता हूँ, परिवार क्या बोलेंगे? बोले अगर घर में जा रहे कुकर गए तो मना कर दिया तो उन्होंने बोले देखो ये सामने देखो ये गोपाल सामने ये गोपाल जी ने गोपाल जी को साथी करके बोलता हूँ मैं जब घर में वापस जाऊंगा मैं अपना बेटी को तेरे साथ में शादी दूंगा। जब उन्हें घर में वापस आए ये बड़ा ब्राह्मण ने पूरा परिवार को बुलाया और अपना बात सामने रख दिया। ऐसे ऐसे बात है, इसको सुनते ही इतने भड़क गए परिवार को, क्योंकि पहले जाति अभी भी जाति करता है। जैसे आपका गुजर जाति हो दूसरी जाति में बेटी को शादी देते हो? नहीं देते है ना, गुजर में शादी देते हो, अभी भी ये प्रथा है। इसलिए अभी इतने भड़क गए, बोले आपको पता नहीं हम उच्च जाति के ब्राह्मण हैं, वो छोटे जाति का ब्राह्मण है। अगर अपना बेटी को शादी किया तो दुनिया में हम क्या मुंह दिखाएंगे? बोले मैंने ठाकुर को साथी करके आया हूँ। ठाकुर जी पत्थर है, ठाकुर जी पत्थर है, वो क्या थोड़ी बोलते हैं? इसलिए देखो एक काम करना, अगर वो आकर के बोले ना आप कितनी सी बात बता देना, मैंने क्या बोला नहीं बोला मेरा याद नहीं। इतने में वो छोटा बीकर आया, बोले क्या हुआ? आप बोल रहे थे बेटी को शादी देने के लिए, आकर चुप कैसे हो गए? उनने कितनी सी बात बोल दिया, मैंने क्या बोला नहीं बोला मेरे याद नहीं। इनका बच्चे तो डंडा लेकर के मारने के लिए दौड़ गए दुष्ट। हमारे पिताजी के पास में बहुत पैसा था, तुमने मधुरा खिला करके सारे पैसा भी हड़प लिया और हमारे बहनी से शादी करना चाहते हो, डंडे लेकर तुमको भराई मार रहे। उसने ग्राम पंचायत को बुलाए, सारे बात रख दी। ग्राम पंचायत बोले ये बताओ कोई साथी किया है? बोले ये गोपाल जी को हम साथी करके आए पास तुम्हें मौका मिल गया, मिल जा जा गोपाल जी को बुला करके ले आना वृंदावन से। लेकिन इसको ये पूर्ण विश्वास था ठाकुर जी जरूर आए हुए। उन्होंने चलते चलते जगन्नाथपुर से वृंदावन तक आए और उन्होंने ठाकुर जी के मंदिर में गए। बोले ठाकुर जी आपको साथ में ये बड़ा मित्र ने प्रतिज्ञा किया था बेटी को शादी देने के लिए, लेकिन घर में जाकर के उन्होंने मुकर गया आपको साथी देने के लिए जाना पड़ेगा। देखो ठाकुर स्वयं बोल पड़े, बोले तुमने कभी सुने हो ठाकुर जी कभी चलते हैं? इतने में उसने बोला अगर चलते नहीं तो ठाकुर जी कभी बोलते हैं क्या? जब आप बोल रहे हो आपको भी चलना पड़ेगा। ठाकुर तो फंस गए, बोले देखो मैं इतना दूर तक तो चलूंगा, एक काम करो मेरे को एक सर चावल खिचड़ी बनाकर खिलाओ फिर मैं चलते चलते जाऊंगा। अभी एक सर चावल का खिचड़ी खाए, बोले देखो मैं जब चलूंगा ना पीछे में मोड़ करके नहीं देखना, पीछे को मोड़ करके नहीं देखना। बोले मेरे को पता कहीं चलेगा आप आ रहे हो? बोले मेरे पैर में नुपुर बना हुआ, मैं जब चलूंगा नुपुर का छम 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 आवाज में उससे पता चलेगा ठाकुर जी आ रहे हैं। बोले ठीक है। जब आते आते कटक तक आ गए, आप लोग पूरी गए थे उससे दो स्टेशन पहले कटक आ गए। जब ठाकुर जी वहां तक आए ठाकुर जी का जो पैर धरती में धंसना शुरू हो गया, जब प्यार धसना शुरू हो गई जो नुपुर की छमछम आवाज आ रही थी, अभी नुपुर का आवाज धीरे धीरे बंद होने लग गया। बोले ठाकुर तो यहाँ तक आ रहे थे, अभी तक तो नुपुर का आवाज बंद कैसे हो गई? बोले ठाकुर जी बोले मोड़ करके नहीं देखना। ठाकुर जी बोले तो पास में आ ही गया, अगर ठाकुर जी रुक गए ना फिर तो राजा को मैं बुला करके ले आऊंगा। सतमुच से जब उन्होंने मोड़ करके देखा है ना ठाकुर जी बंसुरी बजाते बजाते ठाकुर जी वहीं पर रुके। बोले आगे और ले जा राजा को बुला करके ले आ। उसने जा करके पूरा गांव में हल्ला मचा दी। जब श्री वृंदावन से गोपाल जी चलते 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 यहाँ पर आए, पूरा दुनिया वहां पर उमड़ देखने के लिए ठाकुर जी।
और सचमुच से ठाकुर जी सभी को सामने ठाकुर जी स्वयं बोल बोला कि बड़ा विप्र ने मेरे को साथी करके बोला था बेटी को साथ में साधी देने के लिए, लेकिन एक परिवार का दबाव में आकर उसने मुकर गया। ठाकुर जी स्वयं साथी थी, फिर तो बेटी को साथ में साधी हुई। इतने में राजा रानी भी दर्शन करने आए थे। अब जब रानी मन मन में सोचा अगर ठाकुर जी के नाक में छेद होता है ना, मेरे पास में एक हीरे की बेसन है, वो बेसन भी ठाकुर को नाक में पहना देता, लेकिन ठाकुर को नाक में छेद नहीं होगा। लेकिन रानी जब आकर सो गई, ठाकुर जी सपने में आए, बोले रानी आपकी इच्छा है ना मेरे नाक में बेसन पहनाने के लिए। बोले हाँ। बोले जब मैं छोटा था मेरी भैया ने मेरे नाक में छेद कर दिया, अभी भी वो छेद है, आ करके तेरा नाखून से उस मिट्टी को हटाना, अभी भी वो छेद है। रानी स्वप्न देख करके तो स्वप्न भूल गई, नींद भूल गई। राजा को बोले ऐसे ऐसे बात, बोले चलो हीरे की बेसन लेकर के जाते हैं। सचमुच से उसने ठाकुर को नाक में छेद दी और नाक में ठाकुर जी की बेसन उन्होंने पहनाई। इसलिए कहते ना, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तो, द्रौपदी जैसे तो बुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, सबरी के जैसे तो खिलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, मैया जसोदा जैसे तो सुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, ब्रज गोपियां जैसे तो बचाते नहीं। देखो तुम्हारी घर में जो ठाकुर है ना, जो लड्डू गोपाल जो तुम्हारी घर में, इसके घर में राधा कृष्ण है। अगर तुम सही सही ठाकुर को सेवा करोगे ना, ठाकुर जी सब कुछ करते हैं, ठाकुर जी सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे हृदय में ऐसे भक्ति आनी चाहिए। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे श्याम। इसलिए यहाँ पर श्री सांकेतिक ऋषि ने कहा, बोले भगवान की ठाकुर जी को स्थापन करो। जब ठाकुर जी की तुम स्थापन करोगे, लीला स्थलियों को प्रकाश करोगे, तब ठाकुर जी की तुम्हारी ऊपर में जरूर तुम्हारी ऊपर में ठाकुर जी की कृपा होएगा। इसलिए बज्रनाभ ने बड़ी जितने ब्रज में जितने स्थान है, जितने ठाकुर जी है, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन सबके सब श्री बज्रनाथ ने ही ये ठाकुर जी को उन्होंने स्थापित किया और वृंदावन को उन्होंने प्रकाशित किया है। इसलिए बोले एक समय कृष्ण का जो 16108 पटरानी था, कृष्ण विरह में बड़े दुखी थे, लेकिन देखा कि उन कालिन थी वो कलकल कलकल नाद से बह रही है, बड़ी प्रसन्न है। महिष्य ने पूछा कालिन थी हम तो कृष्ण विरह में बड़े दुखी है, लेकिन तेरे अंदर में कोई विरह है ही नहीं। बोले क्यों विरह नहीं? बोले राधा रानी की कृपा से मेरे को पता है कृष्ण वृंदावन छोड़कर नहीं गए, कृष्ण अभी भी वृंदावन है। लेकिन कैसे पता चलेगा? बोले जिसको ऊपर में श्री राधा जी की कृपा हो, वही व्यक्ति ही समझ सकते हैं भगवान की जो लीला है ये नित्य है। इसलिए वृंदावन में जाओ ना, देखना कृष्ण का नाम कोई नहीं लेते हैं, किसका नाम लेते हैं? राधे राधे। जोर से बोलो राधे राधे। इसलिए सबके सब वृंदावन में श्री राधा रानी का नाम लेते हैं, क्योंकि राधा रानी की कृपा से पता चलता है ये वृंदावन प्रभु की नित्य लीला है। और ब्रजवासी विशेष करके ब्रजवासी लोग बड़े चालाक है, तो जानते हैं अगर एक बार कृष्ण का नाम ले तो कृष्ण, एक बार से राधा जी का नाम ले तो कृष्ण का नाम कितना बार हो जाता है? अरे बोलो कितना बार हो जाता है? 100 बार। जोर से बोलो 100 बार। इसलिए कृष्ण चंद्रमा को कहे, बोले चंद्रमा बोले मम नाम सतनापी राधा नाम सदूतम जात करो सदा राधा ना जाने महिमा की। बोले चंद्रमा
अगर किसने एक बार से राधा रानी का नाम ले ले, एक राधा रानी का नाम के समान मेरे सौ नाम, जो मेरा सौ नाम लेगा जो उसको फल मिलेगी, एक बार से राधा नाम से उसको वही फल मिलता है। श्रीमती राधा रानी की, राज नंदिनी की। इसलिए हम लोग जो माला जप करते हैं ना, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। और एक बार जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। इसलिए हम लोग पहले ये हरे शब्द बोलते हैं, हरे मतलब क्या, इसका मूल शब्द हरा, अब ये संबोधन हो जाते हैं हरे, हरे मतलब हे राधे। इसलिए हरे कृष्ण इसलिए सबसे पहले हम श्री राधा रानी का नाम लेते हैं। इसलिए बोले भागवत कल में बता रहा था, श्रोता दो तरह के हैं, कितने तरह के हैं, कहते एक श्रेष्ठ श्रोता है और एक कनिष्ठ श्रोता है, और जो श्रेष्ठ श्रोता चार तरह के, कितने तरह के बताओ, क्या क्या है, कल मैं बताया था, मैं आज मैं पूछूंगा, देखना कौन बोल पाते, कौन बोलेगा हाथ उठाओ, पर जो बोलेगा हाथ उठाओ, आप इधर उधर क्या लेने के, बोलो कोई एक, कोई एक का नाम तो बोल सकते हो, हाँ बोलो कौन बोलेगा, कौन बोलेगा, बोलो शर्मा नहीं, देखो और एक बार बोल देता हूँ, कल कई बार समझा, पहला नंबर है जो श्रेष्ठ श्रोता है, पहला नंबर है हंस, हंस क्यों बताए, जैसे हंस को जैसे दूध दो, आप देखना हंस दूध दूध तो पी लेता है और पानी पानी को छोड़ देता है, तात्पर्य यह है जो कथा सुनो हंस जैसे, सार सार को ग्रहण करो और असार को छोड़ दो। दूसरा नंबर क्या है, मक्खी मधुमक्खी, मक्खी नहीं मधुमक्खी, जैसे मधुमक्खी देखना कांटा में फूल नहीं हो, वहां पर भी मधुमक्खी बैठी करके वहां से भी शहद को ग्रहण कर लेता है और उसने बड़े सुंदर के छत्ता बना देता है और जिससे ठाकुर जी की सेवा होती है। तीसरा नंबर है बोलो मछली, मछली का आंखों का जो पलक है कभी नहीं झपकती है, वो एकदम खुली हुई रखती है, मतलब क्या है, जैसे तीन समुद्र में ये मछली अपलक नयन के द्वारा जैसे दूध को पान करती है, कथा कैसे सुननी चाहिए, आंख खोल करके, आंख बंद करके नहीं, मतलब क्या, तक तक लगा करके एक मन से कथा को सुननी चाहिए। चौथा नंबर क्या था, आप लोग याद रखना, इसलिए चातक कहते हो, ये जो चातक है वो किसी नदी का पानी नहीं तो किसी तालाब का पानी नहीं पीता है, वो केवल स्वाधीन नक्षत्र का पानी पीता है, इसलिए ये चातक हर समय प्यासा हूँ प्यासा हूँ, मतलब मैं प्यासी हूँ मैं प्यासी हूँ, इसे चिंता करते रहता है कब पानी बरसेगा कब मैं पानी पीऊंगा। इसका तात्पर्य यह है देखो कृष्ण भक्ति कैसे करनी चाहिए, चातक बोले एक समय कोई एक चातक चिड़िया किसी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, वो गंगा किनारा था, किसी बहेलिया ने वो चातक को लक्ष्य करते हुए तीर मारा, जब तीर लगा उसने गिरा कहां पर, गंगा पानी में गिरा, लेकिन गिरा तो गंगा पानी में ही लेकिन गिरते ही अपना मुंह बंद कर दिया, बोले क्यों, वो स्वाधीन नक्षत्र का पानी छोड़ करके और किसी पानी का वो ग्रहण नहीं कर पाए। इसलिए जो साधन भजन करते हैं उनका भी भक्ति एक निष्ठ भक्ति होनी चाहिए, बहुनिष्ठ भक्ति से भक्ति नहीं होता है,
आज किसी देवता को पूजा नहीं की, कल दूसरे देवता के पास चले गए, इससे काम नहीं बना। तो सुना आपको को जगह पर कोई पीर बाबा रहते थे, वहां भी चले गए, देखा वहां काम नहीं बना। सुना आपको को जगह पर और कोई है, नया कोई देवी मंदिर है वहां, भैया भक्ति ऐसे नहीं होता, भक्ति तो होनी चाहिए। मेरे तो गिरिधर गोपाला दूसरा ना कोई, भक्ति ऐसे होनी चाहिए, गोपियां जैसे भक्ति होनी चाहिए। भयो एक मन सो गए श्याम सगिर को आरंभ की। देखो एक छोटी सी स्टोरी सुनो, ध्यान लगा कर, गुरु जी सुनाया करते थे। पहले एक समय कोई एक संत थे, वो राधा कुंड में भजन करते थे। कहाँ भजन करते थे? राधा कुंड। अच्छे तरह से सुनो, बड़ी गुरु जी सुनाते थे। जब राधा कुंड में बैठने करके भजन करते थे राधा रानी, क्योंकि हम जो गौड़ीय वैष्णव है ना, हम लोग गौड़ीय वैष्णव, गौड़ीय वैष्णव मतलब क्या, गौड़ीय मतलब होता है गोरी, राधा रानी गोरी है, जो कि विशेष करके हम इसे राधा जी की भक्ति विशेष करके करते हैं, क्योंकि राधा जी की कृपा नहीं होगा तो श्याम सुंदर नहीं मिलते हैं। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, अगर हमें पूछा जाए कृष्ण से तुम्हारे क्या मतलब है, क्या संबंध है, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कृष्ण से हमारी कोई संबंध नहीं, हमारी संबंध तो सिर्फ किशोरी से, किसको साथ में, श्री राधा जी को साथ में ही हमारा संबंध है। हाँ कृष्ण को साथ में संबंध है, लेकिन वो दूर का संबंध है, इसलिए संबंध है कृष्ण हमारी श्री राधा जी की, ये प्रियतम लगते हैं इसलिए संबंध है, लेकिन ये हमारी जो डायरेक्ट जो संबंध है श्री राधा रानी के साथ, इसलिए हम लोग श्री गौड़ीय वैष्णव है, श्री राधा जी की आनुगत्य में हम भक्ति करने वाले। जब राधा कुंड में बैठे करके भजन करते थे राधा जी की भक्ति, इतने में राधा जी की जब ध्यान करते थे, साक्षात रूप में राधा जी की अनुभूति करते थे राधा रानी की कृपा को। लेकिन एक दिन क्या हुआ, कोई एक व्यक्ति आकर के बोले, बाबा बाबा हम द्वारका जाना चाहते हैं, लेकिन हमारी कोई संगी नहीं मिल रहा है, हम द्वारका जाओगे, खर्चा पानी की कोई चिंता नहीं, खर्चा पानी हम सब बुला चलोगे। बोले मन में तो इच्छा हुई थी जाने की, लेकिन अभी कोई जाने की इच्छा नहीं। बोले चलो ना, पैसा पत्र कोई चिंता नहीं, खर्चा पानी हम बहन करेंगे। बोले चलो द्वार घुमा, अभी गई द्वारका। जब द्वारका गए, उन्होंने किया एक बात गए, लेकिन वहां पर उन्होंने छाप लगा दिया, शंख चक्र गदा पद्म की वहां पर तपा करके गरम करके उसका छाप लगा दिया। लेकिन ये शंख चक्र गदा पद्म किसके है नारायण, ये वैकुंठ की पत्नी है। लेकिन जब लगा करके फिर आए वृंदावन में, राधा कुंड में बैठे करके जब भजन करना शुरू किया, और राधा रानी की कृपा राधा रानी और हृदय में आई नहीं रही, बड़े छटपट आया। बोले हे राधे, आपकी चरण में क्या अपराध हो गया, अभी आपकी अनुभूति क्यों नहीं हो रही है। इतने में आकाश वाणी हुई, बोले देख बेटा, इसी जीवन में मेरी कृपा तेरे पर हो रही है, क्योंकि एक तो तू मेरे चरण छोड़ कर गया, गया तो गया, अरे वहां से तुमने ये शंख चक्र गदा पद्म का छाप लगा दिया। ये शंख चक्र गदा पद्म का चिन्ह कहाँ है, वैकुंठ का भक्ति है। अभी मेरी भक्ति तुमको नहीं मिलेगी, मेरी कृपा नहीं होगी। जब देखा से राधा रानी की कृपा हमें नहीं मिलेगी, तब ब्रजवास का क्या तात्पर्य है, शरीर रखकर क्या होगा। और उन्होंने बैठ करके अपना शरीर से उन्होंने जुगादी को प्रकट किया, और वहीं पर अपना शरीर को उन्होंने त्याग दे दिया। इसलिए जो भक्ति है, खिचड़ी भक्ति भक्ति नहीं है, खिचड़ी भक्ति भक्ति नहीं है, भक्ति होनी चाहिए, निष्ठ भक्ति होनी चाहिए। बहुनिष्ठ भक्ति से भगवान हमें, जिस दल में गंगा जाओ तो गंगा राम और यमुना जाओ तो जमुना है। इसलिए ऐसे भक्ति नहीं होता है, राधा रानी प्रचंड कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं करेगी। इसलिए कहते हैं चातक, जैसे चातक कभी भी वो स्वाधीन क्षेत्र का पानी छोड़ करके और कहीं का भी वो पानी नहीं पीता है। भैया आप पिएंगे तो श्री राधा कृष्ण की भक्ति करेंगे,
और किसी सबको सम्मान करो, किसको असम्मान मत करो, लेकिन हृदय में किसको बैठाएंगे? हृदय में श्री जुगल सरकार को बैठाएंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्रीमती राधा रानी की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए कहते हैं चार तरह के श्रेष्ठ श्रोता हो गए, बोले चार तरह के साधारण श्रोता। किसको किसको याद है बोलो तो, कौन बोले? अरे बोलो एक एक बोलो, क्या कौन बोलेगा हाथ उठा, क्या बोलो जोर से नहीं, वो तो अच्छे से बता हो गए, जो कनिष्ठ जो घटिया से बता है। कौन बोलेगा किसको एक एक को याद हो? एक का नाम है भुरुंडू। भुरुंडू मतलब होता है ये जो चिड़िया रहता है हिमालय से, इसका स्वभाव है आप उसको जैसे आप सुनाओगे वो सुन मिलेगा, लेकिन वो बोल मिलेगा दूसरों को, वो सुन मिलेगा रट मिलेगा और दूसरों को ये बोल भी देगा, लेकिन वो करते समय में वो उल्टा करेगा, सुनेगा सुनाएगा लेकिन अपना जीवन में वो उतारता नहीं, वो जीवन में नहीं उतारता है। दूसरा नंबर क्या है? ऊंट को अगर कोई कोमल कोमल सुंदर सुंदर आम की पत्ता बढ़िया सुंदर पत्ता खिला वो नहीं खाएगा, वो क्या खाएगा? वो ढूंढेगा कांटा के वृक्ष, वो बबलू की वृक्ष ढूंढेगा, वो कांटा ही खाएगा। मतलब क्या है? जो भगवान की जो सुंदर सुंदर कथा ठाकुर जी को जो प्यारी प्यारी कथा है जिनको उसमें रुचि नहीं, किसकी कथा में रुचि है? जहाँ पर दुनियादारी की बात हो, उसको बेटी ने कैसे कर दी, उसको बहु सास में लड़ाई हो रही है, उसके घर में ये, अगर दुनियादारी की बात हो ना उसका बड़ा रुचि तो उसमें, लेकिन जहाँ भगवान की कथा हो ठाकुर की मधुर मधुर कथा हो उनको वो कथा में रुचि नहीं, कहते वो ऊंट है। तीसरा नंबर कौन है बोलो? भेड़िया। इसको अच्छे तरह से सुना, ध्यान से सुना, यहाँ पर देखता मुझे भेड़िया लोग है। भेड़िया होता है छोटा बाघ है, जब हिरण उसको पता है मैं हिरण को पकड़ नहीं सकता, लेकिन जब हिरण सुंदर कोई सुलित शब्द सुन करके कान खड़ा कर देता उसमें एकदम डूब जाए, उसी समय में ही ये भेड़िया उसको ऊपर में आक्रमण करता। तात्पर्य क्या है? कुछ ऐसे भक्त लोग हैं जो एक मन से कथा सुनना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो पास में बैठे थे जिनको कथा सुनना नहीं देते थे, बिना कारण के कारण बात करते हो जाते, जो सुन रहे हैं उसको सुनने नहीं देते, बिना कारण के उसको कथा सुनने नहीं देते, बिना कारण से बात करते हैं, वो भेड़िया है। अब जो चौथा नंबर है बैल। बैल मतलब होता है उसको घास दो नहीं तो सुंदर सुंदर फल दो, दोनों में कुछ फर्क नहीं समझता है, दोनों को जो बराबर मानता है, मतलब ठाकुर जी की कथा हो नहीं तो कोई दुनियादारी की कथा हो, दोनों में कोई फर्क नहीं आता। कहते ये चार तरह का घटिया श्रोता है, कहते कथा चार तरह के, कितने तरह के हैं? क्या क्या? सात्विक, राजसी, तामसी और बिंदु। सात्विक की कथा किसको कहते हैं? जैसे एक महीना हो दो महीना हो कथा तो सुनेंगे, लेकिन उसको बाद में फिर कथा से कोई मतलब नहीं रखते हैं। बोले तामसी की कथा किसको कहते हैं? जैसे सात दिन पर कथा हो रही लेकिन कभी कथा सुनेंगे मन नहीं लगा तो चक्कर घूम कर जाए, नहीं तो जब कथा विश्राम होने जा रही है तभी कथा को सुनने आएंगे। इसी तरह से ये शास्त्री की कथा कि जिसको तामस की कथा कहते हैं, लेकिन एक कथा है निर्गुण कथा। निर्गुण कथा मतलब क्या है? बोले सदा सत्यम श्रीमती भागवत वार्ता जस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चितं समाश्रये।
निर्गुण कथा होता है जिसने संपूर्ण जीवन को ही कथा बना दे, मतलब नियम करके रोज घर में गीता हो, रामायण हो, भागवत हो, भक्तों की चरित्र हो, जिसने नियम करके अपना घर में रोज रोज कुछ ना कुछ कथा सुन। और कल सुन रहे थे ना, अगर किसकी घर में भागवत का एक श्लोक अगर कोई पढ़े, एक श्लोक नहीं अगर कोई आधी श्लोक पढ़े, आधी श्लोक नहीं बोले एक चौथाई भी किसकी घर में अगर कोई श्लोक पढ़े तो उसकी घर में कौन निवास करते हैं, उसकी घर में सवेरे स्वयं श्री ठाकुर जी की श्री जुगल सरकार के निवास हो जाते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए अपना जीवन को क्या करनी चाहिए, पूरा कथा रस में ही अपना जीवन को बिता देनी चाहिए। एक बार हाथ उठा कर सबके से बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 दुर्लभ 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 जी। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। एक बार आप लोग बोलो मैं सुनता हूँ जोर से, हाथ ताल करिए दो मिनट कीर्तन कर लेते हैं। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, जो व्यक्ति हरिनाम करते हैं उनका तीन काम हो जाता है। कितना काम हो जाता है, क्या क्या, आज मैं सुनाऊंगा कल आपसे सुनूंगा, ठीक है, आज मैं सुनाऊंगा कल आपसे सुनूंगा। देखो हरिनाम करने का कितने महत्व संत कहते हैं। बोले पहला काम है नरक में श्री जम महाराज चित्रगुप्त को बुलाते हैं। बोले ये चित्रगुप्त कौन है, बोले चित्र मतलब होता है फटो, गुप्त मतलब होता है छुपा गया। हम जो कुछ कर्म करते हैं वो ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है, देखो ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है, वो कैमरा में अपने आप इसमें फोटो खींचते जा रहे हैं। मरने का बाद जब कापी खुलेगा हमने क्या क्या कर्म किया वो सारे अपने आप वहां पर खींच रहा है। अगर कोई सोचे 10 मंजिल मकान के ऊपर में दरवाजा बंद कर कुछ करना, कौन देख रहा है। बोले दीन में जो सूर्य किरण है वो सब साखी वहां पर ऑटोमेटिकली सब फटो उड़ जाती है। रात में ये रात साखी है, कोई भी काम को हम छुपा करके नहीं कर सकते। इसलिए चित्रगुप्त का मतलब गुप्त रूप में सारे फटो को ले रहा है। लेकिन देखो जो व्यक्ति भगवान के नाम को ले इसका कितने महिमा रूप स्वामी कहते हैं। बोले नरक में चित्रगुप्त ने चित्रगुप्त को जब महाराज बोलते हैं बोले रजिस्टर ले आ। बोले क्यों, बोले ये व्यक्ति का नाम तो यहाँ काट दे, ये व्यक्ति का नाम को काट दे। बोले इसलिए, बोले हरि का नाम ले रहा है ना, ये कभी नरक नहीं आएगा, कभी नरक नहीं आएगा। हम लोग ताली क्यों ले आ रहे,
भगवान का नाम ले रहे हो तो बोले दूसरा दूसरा काम क्या होगा, बोले बोलो को वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को बोल के रजिस्टर ले आ। बोले क्यों? बोले ये व्यक्ति हरिनाम कर रहा है ना, इसके नाम को यहाँ पर लिख दे, नाम को यहाँ पर लिख दे। क्यों? हरिनाम कर रहा है ना, वो सीधा कहाँ पर आएगी? सखी छोड़ने का बात सीधा गोलोक वृंदावन में श्री राधा रानी की दासी बन के जाएगी। चलिए दो काम हो गए। बोले तीसरा काम क्या है? बोले ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी आरती का थाला सजाना शुरू करते हैं। बोले क्यों? बोले हरि का नाम ले रहा है, हरि का नाम ले रहा है। जब श्री उधार होगा वो भूर भूप मोह जन तप, जब इस सत्य लोक को पार करेगा, सत्य लोक में ब्रह्मा जी रहते हैं, मैं उसका आरत उतारूंगा, उसकी आरती उतारूंगा, जो भगवान का नाम लेते हैं। इतने महिमा ठाकुर जी के नाम लेगा, इसलिए कृष्ण स्वयं अर्जुन को ही कहते हैं, देखो हरिनाम कौन कर सकता है। बोले जनेई उर्वशत जन्म वासुदेव समर्जनम तन्मुखे हरिनामनि सदा तिष्ठति भारत। बोले अर्जुन हरिनाम को कौन कर सकता है? बोले चेन्नई पूर्व सत जन्म, बोले एक जन्म है जो पिछले जन्म में 100 जन्म तक जिसने ठाकुर की निष्कपट रूप में ठाकुर की सेवा उजागर किया होगा, तो कभी किसी जीवन में उसका मुंह में ठाकुर की नाम उच्चारण होगा, कभी ये हरिनाम को जप कर सकता है। ये साधारण मत समझो। इसलिए श्री नारद जी जब वाल्मीकि पहले दशरथ नगर था, जब उसको मिले बोले बोलो राम, बोलो बोलो बोलो, लेकिन उसका मुंह से राम का नाम नहीं निकला, क्योंकि वो पापी था ना, इसलिए पापियों को मुंह से प्रभु का नाम नहीं निकलता है, समझ रहे हो? इसलिए पुण्यात्मा का मुंह से ही प्रभु का नाम निकलता है। इसलिए पीछे पीछे आप लोग सब पुण्यात्मा हो, सब भक्त लोग कथा सुनने के लिए आए, इसलिए जब कीर्तन होना पीछे पीछे बोलता हूँ, बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे
श्री सुखदेव गोस्वामी ये भागवत को प्रारंभ करते ही कहते वो तीन श्लोकों के द्वारा मंगलाचरण किया। जो प्रथम श्लोक है वो ध्यान, मतलब ध्यान किसको ध्यान कर रहे हो, बोले सत्यम परम धनी, कहते वो परम सत्य को हम ध्यान कर रहे हैं। बोले भैया वो परम सत्य है तो किसी विषय पर बड़े झगड़ा है, जो शंकर जी को पूजा करे कहते वही परम सत्य है, जो देवी मैया को पूजा करे वही जगत का सब कुछ है, जो गणेश जी के हनुमान जी को पूजा करे वही जगत का सब कुछ है। लेकिन यहाँ प्रश्न आता है पर परम सत्य कौन है, कहते भैया जो परम सत्य है ना श्री बांके बिहारी, श्री बांके बिहारी है बलगिरिराज बाबा की है, वो परम सत्य भगवान कृष्ण। बोले आप उनको कैसे बोल दिया, इसका प्रमाण क्या है? बोले कृष्ण जब मातृ गर्भ में आते हैं वो 33 करोड़ देवता एक साथ में प्रकट होकर के बोले सत्यम परम सत्यम परम सत्य, वहां पर सत्य सत्य बोल करके भगवान कृष्ण को ही परम सत्य रूप में समस्त देवता लोग वहां प्रणाम करते हैं। तब हमारे रसिक टीकाकार लोग कहते हैं क्या केवल कृष्ण को ही वंदना किया ना और किसको भजन किया? अकेला माधव पूजक सो अज्ञान, जो अज्ञानी है वो अकेले कृष्ण को पूजा करता है। राधा अनाथ और करे अभिमानी, इसलिए कभी ना कर भी ता कर संग बतने ताकू कहते हैं, जो केवल अकेले पूजा करते हैं कृष्ण को खबरदार संग उसकी संग नहीं करना। ब्रज रस रंग, अगर तुमको ब्रज भक्ति पाना प्रेम रस पाना है ना, इसलिए राधा उसको उनका तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगी धारा है। बोले ये कृष्ण भक्ति की रस की धारा कौन है, इसकी राधा रानी। सप्त सिंधु है उसी तरह समस्त जो सिंधु है, रस का सिंधु, कृपा के सिंधु, आनंद का सिंधु, रस धारा के सिंधु कौन है, श्री राधा रानी। कृष्ण पूजा नहीं करनी चाहिए, राधा कृष्ण को दोनों को ही पूजा करनी चाहिए। इसलिए जो पहला जो श्लोक है वो जुगल सरकार को ही वंदना है। बोले जो दूसरा श्लोक है, बोले दूसरे श्लोक में उन्होंने बताए भागवत प्रतिज्ञा क्या, मन में इतना मात्र इच्छा हो गई मैं कथा सुनने जाऊंगी नहीं तो जाऊंगा, अगर इतना हो बोल दे कथा सुनने में नहीं जा सकती तो पर किसने बोल दिया, तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सत्य वृद्ध अवरुद्ध के कृति उसी समय में ही भगवान आकर उसका हृदय में ऐसे बस जाते हैं जैसे एक एक व्यक्ति को द्रोह क्यों नहीं किया, विश्व को द्रोह क्यों नहीं किया, समस्त प्रकार पाप क्यों नहीं किया, अगर कहीं ये श्रीमद् भागवत कथा हो कोई सुने नहीं तो उसको बाद में कोई पढ़े, अगर इतना भी नहीं हो कहीं भी कथा हो रही है अगर अनुमोदन भी कर दिया कथा महिमा ये श्रीमद् भागवत कथा की इतने महिमा। इसलिए जो दूसरा श्लोक है एक श्लोक में तीन बार अपर शब्द प्रयोग किया, बोले पहला अत्र क्या है बोले धर्म प्रोचित कैतव अत्र के पहला अत्र भागवत में रहे बोले वेद्य वास्तव अत्र भागवत में वास्तव सत्य भगवान की भक्ति की निरूपण की गई। बोले जो तीसरा श्लोक की बोले ये आशीर्वाद ये भागवत हमें क्या आशीर्वाद देता है ये हमारे गौशतर श्लोक को व्याख्या। इसलिए जो भागवत में जो तीसरा श्लोक जो आशीर्वाद देता है हमारे गौर सुंदर प्रभु उस श्लोक को ऊपर में व्याख्या करें बोलो। अरे जो लोग पीछे बैठे हुए और बोल नहीं रहे हैं वो लोग भी एक बार वापस सुजोग दिया है भगवान ने, देखो ये मानव जीवन में जीवन प्राप्त हुई है, अगले जीवन पता नहीं पशु पक्षी क्या हो जाए, अगर किसी का कुछ नुकसान हो रहा पैसा वैसा खर्चा हो रहा है तो हम दे देंगे। सभी एक बार हाथ उठाकर जोर से बोलो बोलो हरे कृष्ण। श्री गुरुदेव के मुखार से हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत ग्रंथ में
सभी शास्त्रों के अंदर तीन ही बातें विशेष करके बतलाई गई है, संबंध, अभिनय और प्रयोजन। संबंध मतलब हमारा ठाकुर जी के साथ में क्या संबंध है। हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है और ये आत्मा है उस परमात्मा का अंश, भगवान के अंश। इसीलिए इस संबंध को यदि कोई बतलाता है वो हो गया संबंध तत्व। दूसरी बात जो बतलाई है वो है अभिनय। अभिनय अर्थात ठाकुर जी से जब संबंध स्थापित हो चुका है तो ठाकुर को किस तरह से हमें उनकी सेवा करनी है, किस तरह से उनकी साधन भजन करते हुए उनको प्राप्त करना है, इसके विषय में बताया अभिनय। और जो तीसरी बात है वो बताया प्रयोजन क्या है, हमारा गोल क्या है, उसको बताया इस तृतीय श्लोक के अंदर। ये तृतीय श्लोक आशीर्वाद देते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, निगम कल्प दुर्गलितम बलम शुभ मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम दशमाक्ष के नीचे। और सभी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल यदि देखें तो वो ये होगा श्रीमद् भागवत। कल्प वृक्ष जानते हैं क्या होता है? कल्प वृक्ष अर्थात जिस वृक्ष के नीचे विराजमान होकर जो भी इच्छा वो इच्छा पूर्ण हो जाती है। एक समय पर एक राजा वो जंगल में शिकार करते करते गया था। अभी उसे पता नहीं था, भ्रमण करते करते वो एक कल्प वृक्ष के पास में जाकर बैठ गया। जब थक गया था, मन ही मन विचार कर रहा है, वृक्ष के नीचे बैठा है, लेकिन उसी समय पर क्या हुआ, वहां पर साक्षात पुरुष सुंदरियां आ गई। राजा सोच रहा है वाह, इच्छा करते मात्र से और सामने से जूस हाजिर। फिर चिंता कर रहे हैं कि चलो जूस तो पी लिया, अभी अगर विश्राम करने के लिए बढ़िया बेड मिल जाता, पलंग की व्यवस्था हो जाती है तो क्या होता, आनंद में विश्राम करता। उसी समय पर उसने क्या देखा, पास में बेड पाद इत्यादि हो सकते हैं। तो उसी समय पर उसने एक सिंह के दहाड़ने की आवाज सुन ली। कल्प वृक्ष था ना, कल्प वृक्ष के नीचे बैठे बैठे जो भी इच्छा कर रहे सब पूर्ण होती जा रही है। अभी सिंह के दहाड़ की आवाज सुनी, मन ही मन विचार कर रहे भैया आकर मैं कोई खाना, सिंह उपस्थित हुआ, मारा चपटा और राजा का राम नाम सत्य। इसीलिए बताया क्या भागवत भी इसी प्रकार का कल्प वृक्ष है? बोले नहीं, भागवत कृष्ण से अभिन्न है। यद्यपि हम जो भी इच्छा करेंगे भागवत ग्रंथ प्रदान परिपक्व फल शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम। आप लक्ष्य करके देखना, कोई फल यदि पका हुआ हो तो एक तोता वो उसके अंदर निश्चित आके चोंच मारता है, या फिर इस तरह से कह दो कि जिस फल के अंदर एक तोता चोंच मार देता है उसकी मिठास और बढ़ जाती है ना। ठीक उसी रूप भागवत ग्रंथ तो मीठा है ही, लेकिन जब वो श्री सुखदेव गोस्वामी के भागवत ग्रंथ श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निस्सृत होगा, तो यह चोंच तोता किसी पक्षी ये तोता किसी फल में अगर चोंच मारेगा तो फल तो गिर जाएगा नीचे। इतनी ऊंची टहनी से अगर फल नीचे गिरेगा तो फिर तो फल तो बिखर जाना चाहिए। परिपक्व फल है, खूब पका हुआ है, खूब रस से भरा हुआ है। अभी ऊपर से अगर क्या ये भागवत भी कुछ उसी प्रकार है? कहते हैं नहीं, ये भागवत ग्रंथ वैसा नहीं। क्यों? क्योंकि इस ग्रंथ को श्रवण करने की पद्धति बदलाई है गुरु परंपरा के अनुसार। जैसे मेरे पास एक फल है, मैंने यहां से उठा के इन माता जी को दिया, इन माता जी ने फिर पीछे दिया वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा पर, लेकिन वहां से जब गिरा है वो नीचे हटात नहीं गिरा, वो आया कहां से? बोले सबसे पहले ये ग्रंथ श्रीमद् भागवत ग्रंथ भगवान के मुख से निकला। आप सबसे पहले ये दिव्य ज्ञान ये चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को प्रदान करें। ब्रह्मा जी से फिर वो नारद जी के पास आया, नारद जी से वेद व्यास के पास में, वेद व्यास से सुखदेव गोस्वामी के पास में, वहां से शौनकादि ऋषियों के पास में, ऐसे करते 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 हमारी गुरु परंपरा में गुरु कथा में लगा हुआ। ऐसे नीचे आते 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 क्या हो रहा है, सभी वैष्णवों का अधरामृत उस कथा के अंदर मिला हुआ है, इसलिए उस कथा की मिठास और बढ़ती जा रही है और मिठास उनकी बढ़ती जा रही है। शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। फिर बाद में कहते हैं बोले पिबत भागवतम रसमालयम, कहा कि एक फल है। आप बताओ फल को खाते हो ना पीते हो? फल को खाते हो ना पीते हो? खाते हैं, लेकिन यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं पिबत भागवतम रसमालयम, भैया इस भागवत रस का पान करो। फल को तो खाया जाता है क्या, पिया जाता है?
बताओ उसको आप कहाँ से पी रहे हो, मुंह से पी रहे हो ना कान से पी रहे हो? बताओ कान से पी रहे हैं। लक्ष्य करके देखना, यदि कोई चीज मुंह से ग्रहण करी जाती है तो वो हम ज्यादा दिन तक शरीर में रख नहीं पाएंगे, वो नीचे के द्वार से निकलेगा ही, है ना। लेकिन ये भागवत कथा जो हम कानों कर रहे हैं, ये कानों द्वारा श्रवण करके पूर्ण रूप में इसको हम हृदय के अंदर रख सकते हैं। कल सुन रहे थे ना जो पल्लू झाड़ कथा जो लोग सुनते हैं उनकी बात तो छोड़ दो, इस कान से सुनते हैं इस कान से निकाल देंगे। लेकिन ये एक ऐसा दिव्य रस है, इसको यदि कोई मन देकर कानों से ना, शराबी क्या करता है? बोले शराब पीता है। कब तक पीता है? बोले पीते 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 जब तक बेहोश ना हो जाए। दुनिया की परवाह नहीं रहती उसको, दुनिया वाले क्या कहेंगे, ऐसी ऐसी खूब मस्त होकर पीता है। ऐसे ही ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ का इस रस का पान करो, और कब तक पान करो? बोले जब तक पीते पीते मूर्छित ना हो जाओ। लेकिन मूर्छित होकर जब आपस चेतनता प्राप्त होगी तब बोले फिर पान करने लग जाओ, है तो हम हमारे अंदर रख नहीं पाएंगे। तब क्या करो? बोले एक उदाहरण देकर बताते हैं। बहुत सारे छिद्र युक्त कलशी है, उस कलशी के अंदर यदि पानी डालेंगे तो पानी तो निकल जाएगा। एक मटकी के अंदर बहुत सारे छेद हैं, अगर ऊपर से पानी डालो तो क्या होगा? बोले पानी निकल जाएगा। कहते हैं ऐसा क्या उपाय है जिसके द्वारा उस कलशी के अंदर जितना भी पानी रखो, उस मटकी को यदि पूर्ण रूप में पानी के अंदर डुबो के रखो तो क्या होगा? उसे कभी भी जल बाहर नहीं निकलेगा। ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर भी काम क्रोध लोभ इत्यादि विद्यमान है, लेकिन अगर इस कथा का निरंतर श्रवण करें, सब समय यदि इस कथा का श्रवण करें तो क्या होगा? बोले काम क्रोध हमें नहीं सताएंगे। अभी जैसे उदाहरण के तौर पर आप लोग यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं, मन देकर ठाकुर जी की कथा सुन रहे हैं, इसलिए कहते हैं विभत भागवतम रसमालयम। और कहां पर बात कर रसिका विभाग का, इस जड़ जगत पर ही ये सौभाग्य प्राप्त होगा कथा सुनने का। ठाकुर जी की कथा सुनने के लिए कल सुन रहे थे ना, सत्यलोक में भी ये कथा नहीं है, कैलाश में भी ये कथा नहीं है, वैकुंठ में भी भगवान की ये मधुर मधुर कथाएं नहीं है जो कथा हमको आज प्राप्त। कहते हैं कि इस कथा का पूर्ण रूप में ब्रज गोपियों ने, इस रस को पूर्ण रूप में पान किया है ब्रज गोपियों ने। तब एक बड़ी सुंदर लीला यहाँ पर चक्रवर्ती बात कहते हैं। बोले एक समय में कोई एक नई नवेली बहू ब्रज में शादी करके आई है, उसका विवाह ब्रज के अंदर हुआ। अरे बिना कैसे हम रह पाएंगे, एक बार जाकर कृष्ण को देख तो ले। तो इस उद्देश्य से क्या करते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये जो नई नवेली बहू आई थी, इसकी सास और ननद इसको मना कर रही है। बोले तू मत जाइयो, तू उस कृष्ण के दर्शन करने मत जाइयो। वो नई नवेली बहू कहने लगे कि तुम इतनी बूढ़ी होकर तुम जा रही हो, अरे मेरी वापस उतरता नहीं, कितने ही ओझा को बुला लो। लेकिन इसने उनकी बात मानी नहीं। ये नई नवेली बहू क्या करी, इसने भी एक जानना एक खिड़की की ओट से कृष्ण के दर्शन करने के लिए बाहर की ओर आ गई। कृष्ण जब गौचारण के लिए जा रहे थे, कृष्ण तो भगवान है सबके, नई नवेली बहू को दर्शन देने के लिए उसके पास। जैसे ही उस नई नवेली बहू ने कृष्ण का सुंदर स्वरूप देखा है, कृष्ण का सुंदर स्वरूप कैसा, धूरी भरे अति सोहत श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात मेरे। रज भी यदि लगी हुई हो तब पर भी उनका सुंदर स्वरूप है। हमारे शरीर में यदि मिट्टी लग जाए तो क्या हम गंदे दिखने लगते हैं, लेकिन कृष्ण जब वो गोचारण से पुनः आते हैं, उनके शरीर पर ये ब्रज रज लगती है ना, ऐसा लगता है मानो स्नो पावडर लगा दिया हो। उंनका सुंदर स्वरूप और आई मंथन कर रही है। बोले इसको वो चलने फिरने क्या किया, उसके हाथ में तीन चार मटकी दे दी, हाथ में नटक के बच्चे को पकड़ा दिया और बोला कि कुएं पे से पानी ले आ, कुएं पे से पानी लेकर आ जा। अभी इसने क्या किया, वही कृष्ण का चिंतन करते करते जा रही है, कुएं पे जब पहुंची, अरे वो इसलिए कहते हैं कि ब्रज गोपियों ने जिस प्रकार कृष्ण के उस रस का आस्वादन किया है, वो ही है हमारा चरम लक्ष्य। ये भागवत ग्रंथ यही हमें आशीर्वाद प्रदान करता है कि ब्रज गोपियों ने जिस प्रकार कृष्ण की सेवा करी,
और इस गोपी ने किसकी जिस प्रकार कृष्ण की भक्ति करी है मंगल में गुरु के पद पंकज